हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर ये काफ़ी एक कुछ हटके वीडियो होने वाला है फ्रेंड, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का J2 कोर मोबाइल है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है फ्रेंड, वो चार प्रॉब्लम है। सबसे पहले की बात करूँ तो इसके अंदर IMEI नंबर नहीं है। दूसरा, जो इसके अंदर बेस्ट फ्रेंड है वो शो नहीं कर रहा, अनऑन आ रहा है। तीसरा, इसके अंदर वाईफाई नहीं चल रहा, ब्लूटूथ नहीं चल रहा फ्रेंड, ठीक है। इसके अंदर जो है ये चार चीज़ें जो है इसके अंदर वर्क नहीं कर रही है। और ये जो फ़ोन फ्रेंड है, कस्टमर का फ़ोन, उनका कहना है ये जो फ़ोन है वो गिरा हुआ सेट है। कई बार सेट जो है हाथ से छूटने के बाद रोड पे, चाहे घर में, कहीं पर भी गिरने के बाद जो है ये गिरा हुआ सेट है। मतलब ये हार्डवेयर में ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की इशू नहीं है। ऑटोमेटिकली ये दिक्कत नहीं आई है, गिरने के बाद ये जो है प्रॉब्लम आई है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी लाइट कम है, ब्राइटनेस हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप पहले चेक करा देते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ पर डायल में चलते हैं। बाकी आप नेटवर्क का सिंबल देख सकते हो, गोल कट बीच में कट है। तो चलो, अभी हम डायलर पे यहाँ पर इसका जो है IMEI नंबर, उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल अकाउंट को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने IMEI नंबर चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हो नॉट सपोर्टेड ऑन शो IMEI करके यहाँ पर नीचे में लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो IMEI नंबर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो, एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे IMEI नंबर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे जो नेटवर्क का सिंबल है वो आपने देख लिया, किस तरीके से गोल बना हुआ, बीच में कट है। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं, अबाउट फोन के अंदर, और इसका जो बेसबैंड है उसको भी एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसबैंड वर्जन देख सकते हो अननोन बना हुआ फ्रेंड, नीचे में देख ही सकते हो आप। यहाँ पर जो बेसबैंड वर्जन है वो भी अननोन है और नेटवर्क सिंबल आपको यहाँ पर अभी भी दिख रहा होगा। चलता अब एक बार सेटिंग के अंदर, और यहाँ पर जाने के बाद हम कनेक्शन में जाते हैं। एक बार इसकी जो वाईफाई है इसको एक बार हम ऑन करके देख लेते हैं। इसके अंदर वाईफाई में देख सकते हैं क्या दिक्कत आ रही है। देखो, यहाँ पर मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वाईफाई है फ्रेंड वो ऑफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जा रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं, देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली जो है, मैंने 4 से 5 बार इसको ट्राई किया बट ये ऑफ़ हो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो, अभी भी हम ट्राई कर लें इसको, तो यहाँ पर देख सकते हो ये अभी भी ऑफ़ हो जा रहा है। और फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, ये जो मोबाइल है वो और किसी टेक्नीशियन के पास गया हुआ था, ठीक है। ये कस्टमर के पास, मतलब कोई और शॉप या कोई टेक्नीशियन के पास गया हुआ था। जैसे मैंने इसका जो मदरबोर्ड उसको मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि और जो और IC वगैरह है उस पर वर्क की हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर भी किसी ने जंपर किया हुआ है, देख सकते हो इधर साइड में, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अंदर जंपर वाली कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक IC की दिक्कत है, जो कि आप ये वीडियो में बने रहना। और फ्रेंड, इसके अंदर मैं ब्लूटूथ भी आपको दिखा देता हूँ, जो ब्लूटूथ होता है वो भी इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पर मैंने ओपन किया, यहाँ से ऑन नहीं हुआ। हम एक बार सेटिंग में जाके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ब्लूटूथ को मैंने ऑन किया तो फ्रेंड यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन नहीं हो पा रहा है, जो कि सिंपली इजी वे में जो है ब्लूटूथ ऑन हो जाना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन किया, अभी ये ऑन का ऑन ही है, ऑन नहीं हुआ, जो कि डिस्प्ले में ऊपर साइड में आ जाना चाहिए था। और यहाँ पर वाईफाई आप देख सकते हो, जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जा रहा है, ठीक है। देख सकते हो ब्लूटूथ ऑन का ऑन ही है, कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं है इसके अंदर, और वाईफाई जो है वो ऑफ़ हो जा रहा है। तो अभी हम इसको किस तरीके से सिंपली सॉल्व करेंगे, तो चलो यहाँ से सिंपली हम करते हैं क्या, फ़ोन को कर देते हैं स्विच ऑफ़। तो यहाँ से मोबाइल को कर देते हैं स्विच ऑफ़, और स्विच ऑफ़ करने के बाद इसकी जो बैटरी है उसको सिंपली यहाँ से निकाल देते हैं। और निकालने के बाद इसका जो मॉडल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सैमसंग का J260G है, मतलब J2 कोर मोबाइल है ये फ्रेंड, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर यही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, कहाँ से कैसे करते हैं वो आप इस वीडियो में बने रहना। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, कुछ भी समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हो मदरबोर्ड मैंने ओपन कर दिया है, और जैसा कि देख सकते हो इस साइड में सारे चीज़ों पे जो है वर्क किया हुआ है। जैसा कि मैंने अभी रेड कलर से आपको ग्राउंड दिखाया, मतलब जो पूरा राउंडिंग दिखाया, जिस पीस में मैंने IC का आपके बारे में बताया है, सॉरी आपको यहाँ पे भी शायद समझ में नहीं आया हो, मैं अभी आगे में बता दूंगा आपको। तो पहले चलो इसका हम कैमरा यहाँ से सिंपली निकाल देते हैं, ये जो कैमरा है सिंपली उसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद सिंपली करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी IC जो है पहले हमको चेंज करके देखना चाहिए फ्रेंड। ये तो आज चीज़ें क्लियर हो गई, ये फ़ोन गिरा हुआ है तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है इसके अंदर, ठीक है। या कई बार ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जाके जो है आपको सॉफ्टवेयर में ट्राई कर सकते हो, कि आपको मालूम है कि ये जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व होता है, क्योंकि आपको IMEI बैकग्राउंड वाली जो चीज़ें वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर से भी सॉल्व होता है। बट मैंने एक और इससे भी पहले एक वीडियो बनाया था J26 पे लेके, उसमें भी बैकग्राउंड और IMEI नंबर की दिक्कत थी,
बट उसमें मैंने जो है वाईफाई या ब्लूटूथ चेक नहीं किया था। ये जो प्रॉब्लम है सैमसंग के फ़ोन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, इसकी एक बार मैंने सॉर्टिंग को चेक किया, तो सॉर्टिंग फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सॉर्टिंग इसका चेक किया और सॉर्टिंग फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो फ़ोन के अंदर कोई भी सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। फ़ोन जो है कुछ भी सॉर्टिंग नहीं है। एक बार बोर्ड को हम पलट के इसका जो नेटवर्क सेक्शन होता है वहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उधर भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई सॉर्टिंग है कि नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पर भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी सॉर्टिंग जो है नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो एक बार हम बोर्ड चेंज करके देख लेते हैं, कोई भी सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। और ये जो आईसी है सिंपली फ्रेंड, इसको अभी हम चेंज करेंगे। जैसा कि मैंने ये जो आईसी है इसको एक बार हम चेंज करके देखेंगे, ये जो आईसी है इसी से सारी प्रॉब्लम जो है फ़ोन के अंदर आती है, ठीक है फ्रेंड। इससे पहले जो मैंने एसपीडी का जो सैमसंग का J26 है उसमें मैंने आपको हार्डवेयर पर बताया था कि जो आईमीआर और बेसबैंड की प्रॉब्लम है उसमें मैंने इस तरीके से रिपेयर करके आपको बताया हुआ था। इससे पहले भी फ्रेंड J2 कोर का मैंने मतलब काम किया हुआ था मैंने, ठीक है। तो वो उस टाइम मैंने आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, तो ये मेरे पास एक वीडियो बनाने का दूसरा मौका आया, इसलिए मैं ये जो हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो इसकी आईसी है वो मैंने निकाल दिया है यहाँ से, और इसकी जो बॉल है उसको भी मैंने अच्छी तरीके से क्लीन जो है कर दिया है, ठीक है, देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, तो देख सकते हो आईसी की जितने भी सारे बॉले हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से जो है साफ़ कर दिया है। तो एक आईसी है फ्रेंड मेरे पास, जो आईसी इसके अंदर हम लगाएंगे अभी, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे नीचे रख देते हैं। अब जो है आईसी वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आईसी का जो नंबर है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले आईसी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक दूसरी आईसी है जो कि इसका जो नंबर है वो यहाँ पे मैं थोड़ा साफ साफ दिखा देता हूँ आपको, S915 इसका जो आईसी का नंबर है S915, ठीक है, मतलब 915 S915 इसकी आईसी का नंबर है फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो आईसी है सिंपली अभी इस फ़ोन के अंदर हम लगाएंगे, और लगाने के बाद जो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी ब्लूटूथ वाईफाई आईएमईआई बेसबैंड वो सारी प्रॉब्लम ठीक होती है या नहीं होती है वो आपको इस वीडियो में जो है समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार जो है हम क्या करते हैं, पहले इस जो आईसी को इस फ़ोन के अंदर लगा के देख लेते हैं। तो फ्रेंड वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है फ्रेंड, तो इसलिए वीडियो को कम से कम एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, क्योंकि यार वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो अभी हम चलो इसके अंदर जो है आईसी एक बार लगा के देख लेते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड अभी और भी अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो जो मिलने वाली है जो कि काफ़ी हटके होने वाली है, ठीक है फ्रेंड। तो खैर चलो इसी तरीके से अपने भाई को सपोर्ट करते रहो, मिल के अच्छे से रहेंगे सब लोग, और जो भी वीडियो होगा जो भी प्रॉब्लम आएगा मेरे पास उस पर हम वीडियो जो है बनाते रहेंगे। चलो तो यहाँ पर इस आईसी को हम लगा देते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को जो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो चलो यहाँ पर जो है आईसी को हल्का सा मूव भी मैंने कर दिया, तो फिलहाल यहाँ पे जो है आईसी लग गई है फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे आईसी जो है वो लग चुकी है, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने का बोर्ड को जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करके चेक कर लेंगे कि फ्रेंड जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही थी पहले वो ठीक हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आईसी जो है मैंने चेंज कर दिया। चलो तो एक बार इसमें मदरबोर्ड में हम लगा के चेक कर लेते हैं। एक बार इसके अंदर बैटरी लगाते हैं और उसके बाद एक बार इसको जो है हम चेक कर लेते हैं ऑन करके। तो यहाँ पे फिलहाल फ़ोन ऑन हो चुका है, थोड़ा ऑन होने का हम यहाँ पे थोड़ा सा जो है वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वेट कर लेते हैं। थोड़ा हम बैटरी को चार्ज में लगा देते हैं, बैटरी थोड़ी सी डाउन थी जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 4-5% इसकी बैटरी चार्ज है फिलहाल, अभी चार्ज दिखा रहा है फिलहाल, उस टाइम कम था, अभी 14% चार्ज दिखा रहा है। तो फ़ोन फिलहाल ऑन हो चुका है, अभी यहाँ पे नेटवर्क का जो सिंबल है वो ऊपर में आप देख सकते हो किस तरीके का चेंज हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे सिम कार्ड कोई भी लगा हुआ नहीं है, बट नेटवर्क का जो सिंबल है वो अभी फिलहाल चेंज हो गया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और एक बार इसके हम आईएमआई नंबर को चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो है एक बार हम आईएमआई नंबर को चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर जो आईएमआई की पहले दिक्कत आ रही थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो है आईएमआई आ चुका है रिटर्न, जो कि पहले नहीं आ रहा था, पहले कुछ भी शो नहीं कर रहा था, ठीक है, अभी यहाँ पे जो है आईएमआई नंबर आ चुका है। चलो एक बार आप सेटिंग के अंदर चलते हैं और इसका जो वाईफाई है वो देखते हैं ऑन होता है या नहीं होता है। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन कर दिया है, अभी देख यहाँ पर बेसबैंड देख सकते हो वो भी आ चुका है, बेसबैंड वर्जन जो कि अननोन था।
और अभी चलते कनेक्शन में। जाने के बाद यहाँ से जो है वाईफाई देख सकते हो, फिलहाल ऑन है। अभी ये मैंने ऑन किया, यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा जो है वाईफाई वो शो भी कर रहा है। ऑफ़ करते हैं यहाँ से, फिर से एक बार इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो वाईफाई जो है ऑटोमेटिकली पकड़ना स्टार्ट हो गया। अभी ब्लूटूथ को ऑन करते हैं एक बार, तो यहाँ पर देख सकते हो ब्लूटूथ भी ऑन हो चुका और नेटवर्क के बगल में ऊपर में साइड में ब्लूटूथ भी आ चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना फ्रेंड, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो ये जो आईसी मैंने चेंज किया था और इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है फ्रेंड, ठीक है। चलो फ्रेंड, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।